इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार के नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि हुण फीसां वधाउण वाले स्कूलों की खैर नहीं है, फीसां वधाउण वाले स्कूलों की हुण होवेगी जांच। पंजाब सरकार दे वल्लों ये हुक्म जो ने उह दे दित्ते गए ने। दस दिए कि जदों तो पंजाब दी सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस तो बाद लगातार एक तो बाद एक वड्डे फैसले लए जा रहे ने, जिथे पहला CM भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों नू फीसा वधाउण तो मना किया सी, ते इस दे नाल एक होर वड्डा फैसला जो उन्हां वल्लों लिया गया सी कि हुण कोई भी स्कूल किसी एक खास दुकान तो मापिआं नू मजबूर नहीं करेगा कि वह उसी खास दुकान तो बच्चों के लिए वर्दियां अते किताबां खरीदण। तां उस सब दे विचकार हुण एक होर वड्डा फैसला प्राइवेट स्कूलों नू लैके लिया गया है, ते उस दे विच हुण कह दिता गया कि जिन्हां स्कूलों ने भी फीसा वधाईआं ने हुण उन्हां दी खैर नहीं है, क्योंकि सोमवार तो जांच दे हुकम दे दिते गए ने। सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। जांच टीम च 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नू भी शामिल किया गया। सोमवार तो एक कागज़ जो ने उस स्कूलों के विचकार जाके इकट्ठे किए जाएंगे, ते अपनी जो रिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर सौंपनी होगी। दस दिए कि मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों दीआं फीसां वधाउण दे उत्ते भी सख्त पाबंदी लगा दी है, ते हुण तुहानूं दस दिंदे आ कि सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। मोहाली, डेराबसी अते खरड़ दे स्कूलों की जांच होगी, यानी कि जेकर किसी भी स्कूल ने फीस वधाई हुई तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि CM भगवंत मान ने सख्त शब्दों के विच आदेश दिते सन कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो फीसा नू नहीं वधा सकेगा। तो किते ना किते लगातार शिकायतां जरूर मिल रही सन मापिआं दे वल्लों कि लगातार स्कूलों के वल्लों जो है भारी फीसा दे विच वाधा किया जा रहा है, तो मापिआं दी शरेआम लुट हो रही है। तो इस सब दे विचकार पंजाब सरकार दे वल्लों हुण जांच दे भी हुक्म दे दिते गए ने। खरड़, मोहाली अते डेराबसी दे स्कूलों दे विच जांच होवेगी। 419 कुल स्कूलों की जांच जो है वह की जाएगी। जांच टीम दे विच 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नू शामिल किया गया। सोमवार तो यह जांच शुरू हो जाएगी, जो कागज़ ने वो इकट्ठे करने शुरू हो जाएंगे, तो अपने एक हफ्ते च जांच जो है वह सौंपण के भी हुक्म दे दिए गए ने। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की हुण खैर नहीं, जो फीसा वधाउंदे ने। दस दिए कि हुण जांच दे हुक्म जो ने वह मान सरकार दे वल्लों दे दिए गए ने। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि हुण फीसा वधाउण वाले स्कूलों की खैर नहीं है, फीसा वधाउण वाले स्कूलों की हुण होवेगी जांच। पंजाब सरकार दे वल्लों ये हुक्म जो ने उह दे दिते गए ने। दस दिए कि जदों तो पंजाब दी सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस तो बाद लगातार एक तो बाद एक वड्डे फैसले लए जा रहे ने, जिथे पहला CM भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों नू फीसा वधाउण तो मना किया सी, ते इस दे नाल एक होर वड्डा फैसला जो उन्हां वल्लों लिया गया सी कि हुण कोई भी स्कूल किसी एक खास दुकान तो मापिआं नू मजबूर नहीं करेगा कि वह उसी खास दुकान तो बच्चों के लिए वर्दियां अते किताबां खरीदण। तां उस सब दे विचकार हुण एक होर वड्डा फैसला प्राइवेट स्कूलों नू लैके लिया गया है, ते उस दे विच हुण कह दिता गया कि जिन्हां स्कूलों ने भी फीसां वधाईआं ने हुण उन्हां दी खैर नहीं है, क्योंकि सोमवार तो जांच दे हुकम दे दिते गए ने। सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। जांच टीम च 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नू भी शामिल किया गया। सोमवार तो एक कागज़ जो ने उस स्कूलों के विचकार जाके इकट्ठे किए जाएंगे, ते अपनी जो रिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर सौंपनी होगी। दस दिए कि मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों दीआं फीसां वधाउण दे उत्ते भी सख्त पाबंदी लगा दी है, ते हुण तुहानूं दस दिंदे आ कि सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। मोहाली, डेराबसी अते खरड़ दे स्कूलों की जांच होगी, यानी कि जेकर किसी भी स्कूल ने फीस वधाई हुई तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि CM भगवंत मान ने सख्त शब्दों के विच आदेश दिते सन कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वह फीसा नू नहीं वधा सकेगा। तो किते ना किते लगातार शिकायतां जरूर मिल रही सन मापिआं दे वल्लों कि लगातार स्कूलों के वल्लों जो है भारी फीसा दे विच वाधा किया जा रहा है, तो मापिआं दी शरेआम लुट हो रही है। तो इस सब दे विचकार पंजाब सरकार दे वल्लों हुण जांच दे भी हुक्म दे दिते गए ने। खरड़, मोहाली अते डेराबसी दे स्कूलों दे विच जांच होवेगी। 419 कुल स्कूलों की जांच जो है वह की जाएगी। जांच टीम दे विच 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नू शामिल किया गया। सोमवार तो यह जांच
शुरू हो जाएगी, जो कागज़ ने वो इकट्ठे करने शुरू हो जाएंगे। तो अपने एक हफ्ते से जांच जो है वह सौंपण के भी हुक्म दे दिए गए हैं। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, हुण खैर नहीं जो फीसां वधाउंदे ने, दस दिए कि हुण जांच दे हुक्म जो ने वह मान सरकार दे वल्लों दे दिए गए हैं। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि हुण फीसां वधाउण वाले स्कूलों की खैर नहीं है, फीसां वधाउण वाले स्कूलों की हुण होवेगी जांच। पंजाब सरकार दे वल्लों यह हुक्म जो ने वो दे दिए गए हैं। दस दिए कि जदों तो पंजाब की सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस तो बाद लगातार एक तो बाद एक वड्डे फैसले लए जा रहे हैं, जिथे पहला सीएम भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों फीसा वधाउण तो मना किया। इस दे नाल एक होर वड्डा फैसला जो उन्होंने वालों लिया गया सी कि हुण कोई भी स्कूल किसी एक खास दुकान तो मापिया नू मजबूर नहीं करेगा कि वह उसी खास दुकान तो बच्चों के लिए वर्दियां अते किताबां खरीदण। तो उस सब दे विचकार हुण एक होर वड्डा फैसला प्राइवेट स्कूलों नू लैके लिया गया है। तो उस दे विच हुण कह दिता गया कि जिन्हां स्कूलों ने भी फीसा वधाईयां ने हुण उन्हां दी खैर नहीं है, क्योंकि सोमवार तो जांच दे हुकम दे दिते गए ने। सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। जांच टीम च 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नू भी शामिल किया गया। सोमवार तो एक कागज़ जो ने वो स्कूलों के विचकार जाके इकट्ठे किए जाएंगे, तो अपनी जो रिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर सौंपनी होगी। दस दिए कि मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों दियां फीसां वधाउण दे उत्ते भी सख्त पाबंदी लगा दी है। तो हुण तुहानू दस दिंदे आ कि सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। मोहाली, डेराबसी अते खरड़ दे स्कूलों की जांच होगी, यानी कि जेकर किसी भी स्कूल ने फीस वधाई हुई तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने सख्त शब्दों के विच आदेश दिए सन कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वह फीसां नू नहीं वधा सकेगा। तो कि ना कि लगातार शिकायतें जरूर मिल रही सन मापियां दे वल्लों कि लगातार स्कूलों के वल्लों जो है भारी फीसां दे विच वाधा किया जा रहा है, तो मापियां की शरेआम लुट हो रही है। तो इस सब दे विचकार पंजाब सरकार दे वल्लों हुण जांच दे भी हुक्म दे दिए गए हैं। खरड़, मोहाली अते डेराबसी दे स्कूलों दे विच जांच होगी। 419 कुल स्कूलों की जांच जो है वह की जाएगी। जांच टीम दे विच 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टर नू शामिल किया गया। सोमवार तो यह जांच शुरू हो जाएगी, जो कागज़ ने वह इकट्ठे करने शुरू हो जाएंगे। तो अपने एक हफ्ते से जांच जो है वह सौंपण के भी हुक्म दे दिए गए हैं। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, हुण खैर नहीं जो फीसां वधाउंदे ने। दस दिए कि हुण जांच दे हुक्म जो ने वह मान सरकार दे वल्लों दे दिए गए ने। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि हुण फीसां वधाउण वाले स्कूलों की खैर नहीं है, फीसां वधाउण वाले स्कूलों की हुण होवेगी जांच। पंजाब सरकार दे वल्लों यह हुक्म जो ने वो दे दिए गए हैं। दस दिए कि जदों तो पंजाब की सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस तो बाद लगातार एक तो बाद एक वड्डे फैसले लए जा रहे हैं, जिथे पहला सीएम भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों नू फीसा वधाउण तो मना किया। इस दे नाल एक होर वड्डा फैसला जो उन्होंने वालों लिया गया सी कि हुण कोई भी स्कूल किसी एक खास दुकान तो मापिया नू मजबूर नहीं करेगा कि वह उसी खास दुकान तो बच्चों के लिए वर्दियां अते किताबां खरीदण। तो उस सब दे विचकार हुण एक होर वड्डा फैसला प्राइवेट स्कूलों नू लैके लिया गया है। तो उस दे विच हुण कह दिता गया कि जिन्हां स्कूलों ने भी फीसा वधाईयां ने हुण उन्हां दी खैर नहीं है, क्योंकि सोमवार तो जांच दे हुकम दे दिए गए ने। सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। जांच टीम च 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टर नू भी शामिल किया गया। सोमवार तो एक कागज़ जो ने वो स्कूलों के विचकार जाके इकट्ठे किए जाएंगे, तो अपनी जो रिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर सौंपनी होगी। दस दिए कि मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों दियां फीसां वधाउण दे उत्ते भी सख्त पाबंदी लगा दी है। तो हुण तुहानू दस दिंदे आ कि सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। मोहाली, डेराबसी अते खरड़ दे स्कूलों की जांच होगी, यानी कि जेकर किसी भी स्कूल ने फीस वधाई हुई तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने सख्त शब्दों के विच आदेश दिए सन कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वह फीसां नू नहीं वधा सकेगा। तो कि ना कि लगातार शिकायतें जरूर मिल रही सन मापियां दे वल्लों कि लगातार स्कूलों के वल्लों जो है
भारी फीसां दे विच वाधा किया जा रहा है ते मापियां दी शरेआम लुट हो रही है। तो इस सब दे विचकार पंजाब सरकार दे वल्लों हुण जांच दे भी हुकम दे दिते गए ने। खरड़ मोहाली अते डेराबसी दे स्कूलों दे विच जांच होवेगी। 419 कुल स्कूलों की जांच जो है वो की जाएगी। जांच टीम दे विच 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नूं शामिल किया गया। सोमवार तो यह जांच शुरू हो जाएगी। जो कागज़ ने वो इकट्ठे करने शुरू हो जाएंगे ते अपने एक हफ्ते च जांच जो है वह सौंपण के भी हुक्म दे दिए गए ने। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की। हुण खैर नहीं, जो फीसां वधाउंदे ने, दस दिए कि हुण जांच दे हुक्म जो ने मान सरकार दे वल्लों दे दिए गए ने। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि हुण फीसां वधाउण वाले स्कूलों की खैर नहीं है। फीसां वधाउण वाले स्कूलों की हुण होवेगी जांच। पंजाब सरकार दे वल्लों ये हुक्म जो ने वो दे दिए गए ने। दस दिए कि जदों तो पंजाब की सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उस तो बाद लगातार एक तो बाद एक वड्डे फैसले लए जा रहे ने। जिथे पहला CM भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों नू फीसा वधाउण तो मना किया सी ते इस दे नाल एक होर वड्डा फैसला जो उन्हां वल्लों लिया गया सी कि हुण कोई भी स्कूल किसी एक खास दुकान तो मापियां नू मजबूर नहीं करेगा कि वह उसी खास दुकान तो बच्चों के लिए वर्दियां अते किताबां खरीदण। तां उस सब दे विचकार हुण एक होर वड्डा फैसला प्राइवेट स्कूलों नू लैके लिया गया है। तो उस दे विच हुण कह दिता गया कि जिन्हां स्कूलों ने भी फीसा वधाईयां ने हुण उन्हां दी खैर नहीं है क्योंकि सोमवार तो जांच दे हुकम दे दिए गए ने। सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होने जा रही है। जांच टीम च 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टर भी शामिल किया गया। सोमवार तो एक कागज़ जो ने स्कूलों के विचकार जाके इकट्ठे किए जाएंगे ते अपनी जो रिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर सौंपनी होगी। दस दिए कि मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों दीआं फीसां वधाउण दे उत्ते भी सख्त पाबंदी लगा दी है। तो हुण तुहानूं दस दिंदे आ कि सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होने जा रही है। मोहाली डेराबसी और खरड़ के स्कूलों की जांच होगी। यानी कि जेकर किसी भी स्कूल ने फीस वधाई हुई तो उसकी खैर नहीं है क्योंकि CM भगवंत मान ने सख्त शब्दों के आदेश दिए सन कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वह फीसा नहीं वधा सकेगा। तो कि लगातार शिकायत जरूर मिल रही सन मापियां के वलों कि लगातार स्कूलों के वलों जो है भारी फीसा के वाधा किया जा रहा है तो मापियां की शरेआम लुट हो रही है। तो इस सब दे विचकार पंजाब सरकार दे वल्लों हुण जांच दे भी हुकम दे दिए गए ने। खरड़ मोहाली अते डेराबसी दे स्कूलों दे विच जांच होवेगी। 419 कुल स्कूलों की जांच जो है वह की जाएगी। जांच टीम दे विच 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टर नू शामिल किया गया। सोमवार तो यह जांच शुरू हो जाएगी। जो कागज़ ने वो इकट्ठे करने शुरू हो जाएंगे तो अपने एक हफ्ते च जांच जो है वह सौंपण के भी हुक्म दे दिए गए ने। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की। हुण खैर नहीं, जो फीसां वधाउंदे ने, दस दिए कि हुण जांच दे हुक्म जो ने मान सरकार दे वल्लों दे दिए गए ने। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि हुण फीसां वधाउण वाले स्कूलों की खैर नहीं है। फीसां वधाउण वाले स्कूलों की हुण होवेगी जांच। पंजाब सरकार दे वल्लों ये हुक्म जो ने वह दे दिए गए ने। दस दिए कि जदों तो पंजाब की सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उस तो बाद लगातार एक तो बाद एक वड्डे फैसले लए जा रहे ने। जिथे पहला CM भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों नू फीसा वधाउण तो मना किया सी ते इस दे नाल एक होर वड्डा फैसला जो उन्हां वल्लों लिया गया सी कि हुण कोई भी स्कूल किसी एक खास दुकान तो मापियां नू मजबूर नहीं करेगा कि वह उसी खास दुकान तो बच्चों के लिए वर्दियां अते किताबां खरीदण। तां उस सब दे विचकार हुण एक होर वड्डा फैसला प्राइवेट स्कूलों नू लैके लिया गया है। तो उस दे विच हुण कह दिता गया कि जिन्हां स्कूलों ने भी फीसां वधाईयां ने हुण उन्हां दी खैर नहीं है क्योंकि सोमवार तो जांच दे हुकम दे दिए गए ने। सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होने जा रही है। जांच टीम च 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टर नू भी शामिल किया गया। सोमवार तो एक कागज़ जो ने स्कूलों के विचकार जाके इकट्ठे किए जाएंगे ते अपनी जो रिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर सौंपनी होगी। दस दिए कि
मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों दीआं फीसां वधाउण दे उत्ते भी सख्त पाबंदी लगा दित्ती है। तो हुण तुहानूं दस दिंदे आ कि सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। मोहाली, डेराबसी और खरड़ के स्कूलों की जांच होवेगी, यानी कि जेकर किसी भी स्कूल ने फीस वधाई हुई तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने सख्त शब्दों के विच आदेश दिते सन कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो फीसा नहीं वधा सकेगा। तो किते ना किते लगातार शिकायतां जरूर मिल रही सन मापियां दे वल्लों कि लगातार स्कूलों के वल्लों जो है भारी फीसा दे विच वाधा किया जा रहा है, तो मापियां दी शरेआम लुट हो रही है। तो इस सब दे विचकार पंजाब सरकार दे वल्लों हुण जांच दे भी हुक्म दे दिते गए ने। खरड़, मोहाली अते डेराबसी दे स्कूलों दे विच जांच होवेगी। 419 कुल स्कूलों की जांच जो है वह की जाएगी। जांच टीम दे विच 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नूं शामिल किया गया। सोमवार तो यह जांच शुरू हो जाएगी। जो कागज़ ने वो इकट्ठे करने शुरू हो जाएंगे, तो अपने एक हफ्ते से जांच जो है वह सौंपण के भी हुक्म दे दिए गए ने। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, हुण खैर नहीं जो फीसा वधाउंदे ने। दस दिए कि हुण जांच दे हुक्म जो ने वह मान सरकार दे वल्लों दे दिए गए ने। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि हुण फीसा वधाउण वाले स्कूलों की खैर नहीं है, फीसा वधाउण वाले स्कूलों की हुण होवेगी जांच। पंजाब सरकार दे वल्लों ये हुक्म जो ने वो दे दिए गए ने। दस दिए कि जदों तो पंजाब की सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस तो बाद लगातार एक तो बाद एक वड्डे फैसले लए जा रहे ने, जिथे पहला सीएम भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों फीसा वधाउण तो मना किया। इस दे नाल एक होर वड्डा फैसला जो उन्हां वल्लों लिया गया सी कि हुण कोई भी स्कूल किसी एक खास दुकान तो मापियां नूं मजबूर नहीं करेगा कि वह उसी खास दुकान तो बच्चों के लिए वर्दियां अते किताबां खरीदण। तां उस सब दे विचकार हुण एक होर वड्डा फैसला प्राइवेट स्कूलों नूं लैके लिया गया है, तो उस दे विच हुण कह दिता गया कि जिन्हां स्कूलों ने भी फीसा वधाईआं ने हुण उन्हां दी खैर नहीं है, क्योंकि सोमवार तो जांच दे हुकम दे दिते गए ने। सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। जांच टीम च 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नूं भी शामिल किया गया। सोमवार तो एक कागज़ जो ने उस स्कूलों के विचकार जाके इकट्ठे किए जाएंगे, तो अपनी जो रिपोर्ट है वह एक हफ्ते के अंदर अंदर सौंपनी होगी। दस दिए कि मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों दीआं फीसां वधाउण दे उत्ते भी सख्त पाबंदी लगा दी है। तो हुण तुहानूं दस दिंदे आ कि सोमवार तो 419 स्कूलों की जांच होण जा रही है। मोहाली, डेराबसी अते खरड़ के स्कूलों की जांच होगी, यानी कि जेकर किसी भी स्कूल ने फीस वधाई हुई तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने सख्त शब्दों के विच आदेश दिए सन कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वह फीसा नहीं वधा सकेगा। तो किते ना किते लगातार शिकायतां जरूर मिल रही सन मापियां दे वल्लों कि लगातार स्कूलों के वल्लों जो है भारी फीसा दे विच वाधा किया जा रहा है, तो मापियां दी शरेआम लुट हो रही है। तो इस सब दे विचकार पंजाब सरकार दे वल्लों हुण जांच दे भी हुक्म दे दिए गए ने। खरड़, मोहाली अते डेराबसी दे स्कूलों दे विच जांच होवेगी। 419 कुल स्कूलों की जांच जो है वह की जाएगी। जांच टीम दे विच 17 प्रिंसीपल अते हैडमास्टरां नूं शामिल किया गया। सोमवार तो यह जांच शुरू हो जाएगी। जो कागज़ ने वह इकट्ठे करने शुरू हो जाएंगे, तो अपने एक हफ्ते से जांच जो है वह सौंपण के भी हुक्म दे दिए गए ने। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, हुण खैर नहीं जो फीसा वधाउंदे ने। दस दिए कि हुण जांच दे हुक्म जो ने वह मान सरकार दे वल्लों दे दिए गए ने। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब सरकार दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि हुण फीसा वधाउण वाले स्कूलों की खैर नहीं है, फीसा वधाउण वाले स्कूलों की हुण होवेगी जांच। पंजाब सरकार दे वल्लों ये हुक्म जो ने वो दे दिए गए ने। दस दिए कि जदों तो पंजाब की सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस तो बाद लगातार एक तो बाद एक वड्डे फैसले लए जा रहे ने, जिथे पहला सीएम भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों फीसा वधाउण तो मना किया। इस दे नाल एक होर वड्डा फैसला जो उन्हां वल्लों लिया गया सी कि हुण कोई भी स्कूल किसी एक खास दुकान तो मापियां नूं मजबूर नहीं करेगा कि वह उसी खास दुकान तो बच्चों के लिए वर्दियां अते किताबां खरीदण। तां उस सब दे विचकार हुण एक होर वड्डा फैसला प्राइवेट स्कूलों नूं लैके लिया गया है, तो उस दे विच हुण कह दिता गया कि जिन्हां स्कूलों ने भी फीसा वधाईआं ने हुण उन्हां दी खैर नहीं है, क्योंकि सोमवार तो जांच
ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 419 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ 'ਚ 17 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 419 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। 419 ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੀ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 419 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ 'ਚ 17 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 419 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। 419 ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।